बच्चों, आपको भी गुब्बारों से खेलना पसंद है ना? मुझे भी। और जब आपके घर में बर्थडे पार्टी होती होंगी, तब आपको ढेर सारे गुब्बारे फुलाने पड़ते होंगे। तो चलिए, मैं आज आपको गुब्बारे फुलाने का मजेदार तरीका बताती हूँ। इसके लिए मैंने इस परख नली में एक द्रव लिया हुआ है और इस गुब्बारे को मैं अब इसके ऊपर करती हूँ। देखिए क्या होता है। अरे, ये गुब्बारा तो अपने आप फूल रहा है। क्या ये जादू है? नहीं बच्चों, ये जादू नहीं है। वास्तव में यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। मैंने इस परख नली में HCl अम्ल लिया हुआ था और इस गुब्बारे में मैंने सोडियम कार्बोनेट छुपा कर रखा था। जब इन दोनों के बीच क्रिया हुई तो एक गैस बनी और इस गैस की वजह से गुब्बारा फूल गया। आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये निकलने वाली गैस कौन सी थी। बच्चों, इसके लिए हमें क्रियाकलाप करना होगा। और इस क्रियाकलाप के लिए हमें कुछ उपकरण तथा कुछ रासायनिक अभिकर्मकों की आवश्यकता होगी। बच्चों, इसके लिए मैंने कोनिकल फ्लास्क में सोडियम कार्बोनेट लिया हुआ है। इसमें मैंने दो छेदों वाला कार्क फिट किया है, जिसमें से एक छेद से मैंने थिसिल की फिट की है और दूसरे छेद से मैंने ये निकास नली लगाई है। अब इस निकास नली को मैं चूने के पानी में डुबा देती हूँ, इस तरह से। बच्चों, ये चूने का पानी बनाने के लिए आप जो बाज़ार से चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड लाते हो, इसे पानी में घोल देंगे, जिससे वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को हम 4 से 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब ठोस पदार्थ नीचे तली में बैठ जाएगा, तब हम ऊपर के स्वच्छ रंगहीन विलयन को बड़ी सावधानी से एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे और यही स्वच्छ रंगहीन विलयन हमारा चूने का पानी है। इसके अलावा बच्चों, हम इसमें लेंगे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आइए तो अब अभिक्रिया करके देखते हैं। इसके लिए मैं इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को इस थिसल कीप के द्वारा कोनिकल फ्लास्क में लिए सोडियम कार्बोनेट में डालती हूँ। बड़ी सावधानी से डालेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको रासायनिक अभिक्रिया होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ गैस भी निकल रही है। देखते हैं कि इस चूने के पानी में क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं, ये चूने का पानी काफी दुधिया हो गया है, जो ये सिद्ध करता है कि निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। वो कैसे, मैं समझाती हूँ। बच्चों, जब अम्ल की सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। जैसे कि यहाँ पर HCl की सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया हुई तो NaCl लवण तथा जल बना एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली। अब जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम रंगहीन स्वच्छ चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो ये चूने का पानी दुधिया हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जो कि जल में अविलेय होता है और इसलिए चूने का पानी दुधिया हो जाता है। तो ये बात सिद्ध हो गई कि जब अम्ल की क्रिया धातु के कार्बोनेटों यानी कि सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करते हैं तो लवण और जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ये दोनों अभिक्रियाएं आपके सामने दी हुई हैं।